दिस इज इकनॉमिक्स एम सी क्यूज लेक्चर फॉर सब्जेक्ट स्पेशलिस इकनॉमिक एंड फॉर लेक्चर आर इकनॉमिक नॉर्मली ए डिमांड करो विल हैव द शेप डिमांड करो का शेप जनरली कैसा होता है वैसे तो किसी खास हालत में बदलती रहती है मगर जनरली किस तरह होता है तो हॉर्जेंटल भी नहीं होता वर्टिकल भी नहीं होता और अपवर्डो स्लोपिंग तो सप्लाई करो होती है जनरल हालत में डाउन वर्ड स्लोपिंग इज आंसर डिमांड करो जनरली डाउन वर्ड स्लोपिंग होती है अलीगोपली अलीगोपली मीन्स अलीगॉली का क्या मतलब है तो अलीगॉली का मतलब है मनापली शेयड बाई फ्यू लार्ज सेलर जब तीन चार मोनापले मोनापोलिस्ट मना, इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अलीगोपली कहते हैं मनाफली शेयड बाई फ्यू लार्ज सेलर्स विच इंडिकेटर इज़ आर यूज इन द ह्यूमन डिवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई इंडेक्स में कौन सी इंडिकेटर यूज होते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और एजुकेशन ये तीनों ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स में आजकल यूज होते हैं करंट कंट्री विद लार्जेस्ट ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रास नेशनल प्रोडक्ट किस कंट्री का सबसे ज़्यादा है तो जी सबसे ज़्यादा यू की है जी भी यू की टॉप पे है और जी भी जी की टॉप है फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू हैव लार्जेस्ट जी एन पी एंड जी डी पी इज यू एस ए द सेकंड वन इज चाइना द थर्ड वन इज जापान एंड द फोर्थ वन इज जर्मनी सो द आंसर इज जी द लार्जेस्ट जी एन पी है यू एस ए द बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ ने लिखी है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर ऑफ एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ एडम स्मिथ कौन था एडम स्मिथ एडम स्मिथ इकानिस्ट था एक रिनाउंड पहला इकानिस्ट था seek new rage is a source of revenue for central banks earned from issuance of notes and coins seek new Rage if price consumption curve will be horizontal on x-axis जब एक्सेस एक्सेस पे कोई चीज हो तो ऑलरेडी हॉरिजेंटली उसको कहते देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होगी प्राइस कंजम्पशन करो अगर प्राइस कंज़म्पशन करो बिल्कुल एक्सेस के साथ हॉरिजेंटल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन होगी हु एमोंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट टू काइंड टर्म हेलीकॉप्टर मनी सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी का लफज किसने इस्तेमाल किया था तो ये इस्तेमाल किया था मिल्टन फ्रीडम ने मिल्टन फ्रीडमैन हेलीकॉप्टर मनी द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाईड इज कॉल्ड जब प्राइस और क्वान्टिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो इसको कहते हैं द ला ऑफ सप्लाई क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है दिस वॉज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट इकनॉमिक्स एम सी क्यूज़ आई विल ट्राई टू अपलोड सच टाइप ऑफ मोर एम सी क्यूज लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर इन इकनॉमिक्स सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल